गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन अनदर्स बायोलॉजी क्लास आज के पेड में हम वेंट्रल लीफ और आइसो लीफ की स्टडी करेंगे दैट इज द एनाटोमिकल डिफरेंसेस बिटवीन अ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ ओके तो एन में एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पेज नंबर 93 पे यहाँ पे आप देख सकते डॉर्सीवेंट्रल डकोटिलिडोनस लिफ और आइसोबायोलैट्रल मोनोकॉटिलिडोनस लिफ सो लेट एस सी द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द डायकॉट लिफ एंड मोनोकॉट लिफ ओके अब ये ये वाली डायग्राम ये डाइकॉट की है और ये मोनोकॉट की है तो ये जो डाइकॉट लिव है द डाइक्वाट लिव हैज थ्री रीजन्स द इपिडर्मल रीजन द मिजोफिल रीजन एंड वेस्कुलर बंडल तो डायकॉट लिफ का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे लीफ लैमिना का हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो हमको तीन रीजन्स दिखाई देंगे एक तो अपर एंड लोअर इपिडर्मिस सेकेंड मिजोफिल टिश्यू और तीसरा वैस्कुलर बंडल सो लेटस नो वन बाय वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इपिडर्मिस अब ये जो लीफ है उसका जो अपर सरफेस है अपर सरफेस इज कॉल्ड एज एड एक्सियल सरफेस एंड लोअर सरफेस इज कॉल्ड एज एब एक्सियल सरफेस एड एक्सीयल और एब एक्सियल। तो अपर इपिडर्मिस को हम एड एक्सियल इपिडरमिस बोलेंगे और लोअर इपिडर्मिस को हम एब एक्सियल इपिडर्मिस बोलेंगे सो इपिडर्मल सेल्स आर पैरकैमेटस दे आर सिंगल लेयर्ड, दे आर थिन वॉल्ड दे आर प्लेस्ड कॉम्पैक्टली ओके और कुछ जगह पर सम ऑफ द इपिडर्मल सेल्स आर एबसेंट वेयर स्टोमैटा आर प्रेजेंट न सी स्टोमैटा आर प्रेजेंट सो सबसे पहले देखेंगे इपिडर्मिस की आउटर लेयर द आउटर लेयर ऑफ इपिडर इज कवर्ड बाय कॉन्सपीवियस क्यूटिकल एंड लोअर लेयर इज ऑल्सो कवर्ड बाय कॉन्सपीवस क्यूटिकल तो ये जो इपिडर्मल सेल्स है दे आर कवर्ड बाय क्यूटिकल लेर एंड द मेन फंक्शन ऑफ क्यूटिकल इज इट अवॉइड्स द एक्सेस रेट ऑफ एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन सो दिस इज अबाउट इपिडर्मिस एंड क्यूटिकल तो अपर और लोअर इपिडर्मिस के ऊपर थिन वैक्सी कोटिन प्रेजेंट है उस थिन वैक्सी कोटिन को हम क्यूटिकल बोलेंगे ओके okay, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग ट्रांसपारेशन ड्यूरिंग डे टाइम और उसके बाद में जो है इपिडर्मिस के ऊपर ऊपर की या फिर लोअर की आपको जगह जगह पर स्टोमेटा दिखाई देंगे स्टोमेटा तो डायकॉट लीफ में मोस्टली स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस लोअर इपिडर्मिस सो इन इनडाकोट लिव आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोमेटा मोस्टली लोअर इपिडरमिस एपेक्सीय ईपिडरमिस की तरफ ही स्टोमेटा होता है और एडेक्सीयल सरफेस की तरफ एक तो कम स्टोमेटा होंगे या फिर एबसेंट होंगे तो ये आपको चीज याद में रखनी है कि इन इनडाइकॉट लिव द स्टोमेटा आर रिस्ट्रिक्टेड टू एपेक्सीयल इपिडरमिस दैट इज लोअर इपिडरमिस यू कैन ऑल्सो से दैट द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर इन एब एक्सियलमीज कंपेयर्ड विथ एड एक्सियलिस सो मोस्टली द लिव आर हाईपोस्टोमैटिक मोस्टली द लिवज आर हाईपोस्टोमैटिक ओके सो दिस स्टोमैटा स्टोमैटा आर द ओपनिंग्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेजेक्सप्लेस ट्रांसपायरेशन प्लेस, एक्सेट्रा ये जो स्टोमैटा है इट इज मेड अप ऑफ गार्ड सेल्स सब्सिडरी सेल्स इपिडर्मल सेल्स

तो अपर और लोअर इपिडरमीस के मिडल पोर्शन में जो टिश्यू प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज मिजोफिल टिश्यू ओके सो मिजोफिल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन लिव अब ये जो मिजोफिल टिश्यू है इन डाइकोट लिव इट इज डिवाइडेड इन टू टू रीजन्स टूवर्ड्स एड एक्सियल इपिडरमीस द सेल्स आर इलांगेटेड कॉलम आर पिलर लाइक एंड दे आर कॉम्पैक्टली अरेन्ज्ड एंड द सेल्स टूवर्ड्स द एबेक्सियल इपिडरमिस और लोअर सरफेस आर पैरनकाटस दिस आर ऑल्सो द इंटरसूलर स्पेसिस आर प्रेजेंट ईर यू कैन सी एयर कैविटीज आर प्रेजेंट दिज आर लूजली आरेंज दर फोर दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जी मिजोफिल सो एड एक्सियलिपिडर्मिश की तरफ जो मिजोफिल है इट इज कॉल्ड एज पैलिसड मिजोफिल पैलीसेड का मतलब होता है पिलर लाइक कॉलमनार नाइक कॉलमनार लाइक तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आ, जो आ, मिजोफिल टिश्यू है ऊपर की तरफ वो पिलर जैसे है कॉलम कॉलम के जैसे है दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज देर फोर दे आर कॉल्ड एज पैलीसेड मिजोफिल सोलिफेड पैलिसड मिजोफिल इज प्रजेंट टूअर्ड्स एडेक्सियल इपिडर्मिस और जो लोअर इपिडर्मिस है यहाँ के सेल्स भी पैरेंकैमेटस है लेकिन ये लूजली अरेंज्ड है इंट्रसुलरा स्पेसेस ज़्यादा है एयर कैविटीज प्रेजेंट है सो लोअर सरफेस की तरफ एपेक्सियल एपिडरमिस की तरफ स्पॉन्जी मिजोफिल प्रेजेंट है देर फॉर सच लीफ इज कॉल्ड एज डॉर्सीवेंट्रल लीव सच लीफ इज कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल लीव ओके सो वॉट इज डॉर्सीवेंट्रल लिव द लीफ विच इज डिवाइडेड इंटू अपर पैलिसड मिजोफिल एंड लोअर स्पॉन्जी मिजोफिल इज कॉल्ड एज डॉर्सीवेंट्रल लीव सो डारसीवेंट्रल लीफ इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ डायकॉट uh, लिफ तो डॉर्सी डोरसीवेंट्रल लिफ किसको बोलेंगे हम जिसमें अपर इपिडरमिस जो है इट इज मेड अप ऑफ पैलिसड मिजोफिल एंड लोअर जो है इट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी मिजोफिल सो सच लिफ इज कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल लिफ ओके उसके बाद बढ़ते हैं वैस्कुलर बंडल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहलम है फ्लोएम है एंड बोथ दिस जहलम एंड फ्लोएम इज सराउंडेड बाय बंडल शीत सेल वैस्कुलर बंडल्स आर कवर्ड बाय बंडल शीत सेल्स दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर नाउ रिमेंबर दैट द साइज ऑफ द वैसकुलर बंडल इन डाइकॉट लिव डिपेंड्स अपॉन द रेटिकुलेट वेनेशन तो रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है सेंटर में मिड्रिप रहता है लेटरल जो वेंस है फिर उसके बाद में वनलेट्स बनेंगे तो मिड्रिप वेंस एंड वेनलेट्स में जो वैस्कुलर बंडल की साइज है वो वेरी करेंगी सबसे लार्जर वैस्कुलर बंडल आपको मिड्रिप में मिलेंगे देन देन एंड इन वेनलेट्स ओके बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इन द लैमिना द वैस्कुलर बंडल दैट इज एंड फ्लोएम इट इज सराउंडेड बाय अ शीथ कॉल्ड एज बंडल शीथ सो दिस इज ऑल अबाउट डोर्सी वेन्ट्रल लिफ अस टॉक अबाउट द आइसोबाइलेट्रल लिफ ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइसोबायोलैट्रल लिव नाउ आइसोबाइलेट्रल लिव आर नथिंग बट मोनोकॉट लिव यू आर यू यू विल सी हेयर दिस इज द मोनोकॉट लिव तो मोनोकॉट लिफ में जो है अपर एंड लोअर इपीडरमिस जो है उसके बीच में जो मिजोफिल सेल्स है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इट इज नॉट डिफरेंशियटेड इन टू अपर पैलिसड एंड लोअर आप यहाँ पे देख सकते हैं डायकॉट में अपर पैलिसेड पार एड लोअर स्पॉन्जी है वैसा डिफरेंशिएशन आपको मोनोकॉट लीफ में या फिर ग्रासेस में दिखाई नहीं देता है सो द दिजोफिल टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन टू पैलिसड एंड स्पॉन्जी सच टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज आइसो बायोलैटरल लीफ आइसो का मतलब होता है सेम बाइलेटरल का मतलब है दोनों साइड तो अपर और लोअर साइड में सेम टाइप के सेल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको यहाँ पे स्पॉन्जी सेल्स आपको दिखाई देंगे सो सच टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज आइसो बायोटरल लिव विच इज फाउंड इन मोनोकॉट लीफ सो अगेन द एनाटोमिकल फीचर्स आर सम वॉट सिमिलर दैट इज इट इज हैविंग अपर रिपीडरमिस लोअर रिपीडरमिस ओके लेकिन यहाँ पर जो अपर और लोअर रिपीडरमिस यस दे आर कवर्ड बाय क्यूटिकल बट द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर इक्वल इन बोथ सर्फेसिस तो स्टोमेटा लोअर सर्फेस की तरफ भी है और अपर सर्फेस की तरफ भी है तो so, इसका मतलब जो मोनोकॉट के लीफ है उसमें स्टोमेटा आर रिस्ट्रिक्टेड टू बोथ साइड्स दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ इपिडर्मिस अपर इपिडर्मिस की तरफ भी स्टोमेटा रहेंगे और लोअर इपिडरमिस की तरफ भी स्टोमेटा रहेंगे सो सच लीफ इज कॉल्ड एज एम्फीस्टोमेटिक सो एम्फीस्टोमैटिक लीव आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट लिव और इन ग्रासेस सो दिस इज अबाउट इपिडर्मिस क्यूटिकल एंड स्टोमैटा उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो कुछ इपिडर्मल सेल्स है और मिजोफिल सेल्स के हैं देखो यहाँ पे लिखा है इन ग्रासेस सर्टन एडेक्सियल सेल्स एडेक्सियल एडेक्शियल अलॉन्ग देंस मॉडिफाई दम सेल्फ इन टू लार्ज एमटी कलरलेस सेल्स दिस सेल्स आर कॉल्ड एज बुलिफॉर्म सेल्स अब ये जो बुलिफार्म सेल्स है ये ऊपर की इपिडर्मिस के और कुछ ऊपर की इपिडर्मल सेल्स और कुछ वेन्स कुछ कलरलेस सेल्स यहाँ पे बनाएंगे और ये जो कलरलेस सेल्स है दे आर एम टी ओके दिस एम्प्टी सेल्स आर लार्ज एंड दिस आर कॉल्ड एज बलीफॉर्म सेल्स अब इनका फंक्शन क्या है व्हेन द बलीफॉर्म सेल्स इन द हैव लिवज वाटर जब उनके अंदर वाटर आएगा एंड आर टर्जिड द लीप सर्फेस इज एक्सपोज तो लीफ के एक्सपोजर के लिए ये बलीफॉर्म सेल्स का रोल है वेन दे आर फ्लासिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस तो लीफ का कर्लिंग क्यों होता है क्योंकि बली फॉर्म सेल्स फ्लासिड होंगे ड्यू टू वाटर स्ट्रेस और वो एक्सपोज कब होंगे जब उनके अंदर वाटर भरेगा और वो टर्जिड होंगे सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बली फॉर्म सेल्स उसके बाद में जो वेनेशन है पैरल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट मेन वेन्स एस इन वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लिव तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोएम है जाइलम है ओके लार्ज वाटर कैविटीज प्रेजेंट है सो मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम आप यहाँ पे देख सकते हैं सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ, सो फाइनली हम बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन डायकॉट एंड मोनोकॉट लीफ, डाइकोट लीफ में डॉर्सिवेंट्र uh, लीफ होता है मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलिट्रल होता है डॉर्सिवेंट्रल का मतलब क्या होता है यहाँ पे अपर इपिडरमिस की तरफ पैलिसड मिजोफिल है लोअर इपिडरमिस की तरफ स्पॉन्जी मिजोफिल है और मोनोकॉट में जो मिजोफिल है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन अपर पैलिसड एंड लोअर मिजोफिल ऑल सेल्स आर स्पॉन्जी उसके बाद में स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे डाइकॉट में जनरली स्टोमेटा लोअर इपिडरमिस की तरफ है मोनोकॉट लिफ में दोनों साइड है स्टोमेटा दोनों साइड में सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस between a dicot leaf and monocot leaf bulliform cells are present in monocot leaf while they are absent in dicot leaf so these are the uh, in dicot leaf uh, reticulate venation is present in monocot leaf uh, parallel venation is present so this is about the anatomical differences between a dicot leaf and monocot leaf okay bacho? thank you